जंगली हाथियों के दहशत से बालूमाथ वासियों को जल्द ही छुटकारा मिलेगा। देखिए, डीएफओ प्रवेश अग्रवाल ने बताया है कि बंगाल से जल्द ही हाथियों को भगाने की टीम आ रही है और जिससे लोगों को जल्द ही इस परेशानी से निजात मिलेगी। इधर रेंजर नंद कुमार महतो भी दलबल के साथ हाथियों के प्रभावित क्षेत्र पहुंचे और नुकसान का उन्होंने जायजा लिया। साथ ही सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिलाने की भी बात कही है। हाथियों का आतंक होगा कम और देखिए ऐसे में ये पहल की गई है। बालूमाथ वन क्षेत्र में अभी फिलहाल 15 दिन से हाथियों का आतंक बढ़ गया है, जिससे ग्रामीणों का फसल, मकान, बाउंड्री वगैरह का क्षति काफी ये हो रहा है। हमेशा रोजाना दिन में, रात में हाथी मार्केट में भी आ जा रहे हैं, इसके चलते हम लोग काफी परेशान हैं। टीम है, क्यूआरटी टीम, हमने क्यूआरटी टीम लगा दी है, खासकर बालूमाथ के इलाके में। इधर के कुछ दिनों से, एक सप्ताह से लगभग हाथी रह रहे हैं, कभी चंडवा चले जाते हैं या पूरी क्यों चले जाते हैं, फिर वापस इधर से इधर भेज दिया जा रहा है। तो हम लोग प्रयास में है कि उसको सेफ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।